देश में कोविड 19 नवा वेरियंट ओमिक्रॉन कुल केस की संख्या 358 ने पार। तो गुरुवार कोरोना नवा 6650 नवा केस आया, 7051 दर्दियों थया स्वस्थ। मध्यप्रदेश सरकारे सावधानी भागरूपे फरी रात्रि कर्फ्यू लागू करने लीधो निर्णय। तो अत्यार सुधी देश में 140 करोड़ 31 लाख वैक्सीन डोज अपाया। विश्वभर में वधी रहा है ओमिक्रॉन केस। चीनना पश्चिमी शहर शियान में फरी लागू लॉकडाउन। अमेरिकाए वर्ष 2022 माटे अनेक वीजा अरजदारों व्यक्तिगत इंटरव्यू ने बंद करने लीधो निर्णय। तो ब्रिटेन प्रधानमंत्री ओमिक्रॉन संकट ने जोता देशव्यापी टेस्टिंग पर मुक्यो भार। जम्मू काश्मीर अनंतनाग में सुरक्षा दल और आतंकवादी वच्चे अथड़ामण। सुरक्षा दलों एक आतंकवादी ने कर्यो ठार। तो अथड़ामण बाद समग्र विस्तार में सुरक्षा दल जवानों द्वारा हाथ धरायू सघन तपास अभियान। आगामी विधानसभा चूंटणी की तैयारी की समीक्षा माटे केन्द्रीय चूंटणी पंच की टीम उत्तराखंड की 2 दिवसीय मुलाकाते। मुख्य चूंटणी अधिकारी सहित टीमें विविध राजकीय पक्षों प्रतिनिधिओ जिला चूंटणी अधिकारी और पुलिस अधिकारी साथ करी बैठक। तो आज मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक साथ करशे मुलाकात। राज्य में 179 दिवस बाद कोरोना केस 100 ने पार। गुरुवार 111 नवा केस की साथ ओमिक्रॉन कुल केस थया 30। तो 2 दर्दीओ गुमाव्यो जीव, जयरे 78 दर्दीओ थया साजा। 2,13,000 थी वधु लोकोने अपाई रसी। મહીસાગર જિલ્લાના લુણાવાડાની સરકારી હોસ્પિટલમાં 65 વર્ષના વૃદ્ધાની કરાઈ સફળ સર્જરી। હોસ્પિટલના તબીબો અને ટીમે વૃદ્ધાના પેટમાંથી પડકારજનક 5.5 કિલોની ગાંઠ દૂર કરી આપ્યું નવું જીવન। પરિવારે માન્યો તબીબોનો આભાર। નાતાલના મિની વેકેશનના પગલે યાત્રાધામ દ્વારકામાં મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ ઉમટવાની શક્યતા। મોટાભાગની હોટલોમાં 70% જેવું બુકિંગ પૂર્ણ। શિવરાજપુર બીચ, બેટ દ્વારકા, નાગેશ્વર સહિતના સ્થળો પર સહેલાણીઓના ધસારાથી સ્થાનિક વેપાર રોજગારને મળશે વેગ।